कैसे हैं? अभी रिसेंटली रेड पड़ी है इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर, ये दो सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स हैं। इनके यहाँ सीबीआई ने रेड मारी है, और रेड इसलिए मारी है क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जी हाँ, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ में हम पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस एक्ट का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सीबीआई के यहाँ पे रेड मार दी, सॉरी, सीबीआई ने यहाँ पे जाकर रेड मार दी, शिकायत की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिकायत की सीबीआई को कि जाओ भाई रेड मार के आओ, और सीबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी, रेड मारने पहुंच गई, एफआईआर रजिस्टर कर ली, चार्जेस भी लगा दिए। क्या चार्जेस लगा दिए? कि भाई इंदिरा जयसिंह और इनका जो पति है आनंद ग्रोवर, इनकी एक एनजीओ है, लॉयर्स कलेक्टिव करके इनकी एक एनजीओ है, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कई बार पहले कैंसिल किया, सस्पेंड किया जा चुका है 180 दिन के लिए, और अभी जाके डायरेक्टली रेड मारा, और रेड मार के आरोप लगाया सीबीआई ने। क्या क्या आरोप लगाया पहले मैं वो बता दूं। सबसे पहला आरोप सीबीआई ने लगाया कि इन लोगों ने फंड्स डाइवर्ट किए हैं। क्या किए हैं? फंड्स डाइवर्ट किए हैं विच इज़ नॉट अलाउड अंडर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो फंड डाइवर्ट किए हैं किस लिए? कि इसको पैसा आया था, इनके एनजीओ का पैसा आया था, एनजीओ का पैसा निकाल के इन्होंने जो फॉरेन ट्रिप्स किए हैं उसमें कुछ इन्होंने खर्चा किया है, तो वो खर्चा किसने किया है? एनजीओ ने किया है। सो ये वायलेशन है, दिस इज वायलेशन ऑफ फिक्रा, आप नहीं कर सकते। दूसरा आरोप सीबीआई लगाया कि भाई आपने एनजीओ के पैसे से देश में अशांति फैलाई है, आपने पैसा एनजीओ को आया, किसी काम के लिए आया, और आपने उस पैसे को क्या किया, उस पैसे से आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने मीडिया में अपना प्रचार करवाया, तो इसके लिए आपने खर्चा किया एनजीओ का पैसा। तो ये चीज़ भी सीबीआई ने, ये आरोप भी लगाया। फिर सीबीआई ने आरोप लगाया कि आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 3, जो गवर्नमेंट सर्वेंट, जज, देन न्यूज़पेपर एडिटर्स वगैरह को प्रोहिबिट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से, आपने उसका वायलेशन किया है। क्यों? क्योंकि 2009-2014 कांग्रेस की सरकार के दौरान शी वॉज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो सीबीआई बोलती कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 3 को भी वायलेट किया आपने, और सेक्शन 11 को भी वायलेट किया कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के पहले आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या फिर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेती है। तो यहाँ पे सीबीआई ने कहा कि आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक्सेप्ट तो किया है, बट आपने हमारी प्रायर परमिशन नहीं ली है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो एनीवे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या रेड मारना जायज़ है बच्चों? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जायज़ है सीबीआई ने जो किया है। प्लीज़, मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। अब इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा है? इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि सेक्शन 3 मैंने वायलेट नहीं किया, क्योंकि जब मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी तब मैंने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया। मैंने क्या किया? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया। जो और सीबीआई ने क्या कहा? क्या कहा कि भाई आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 3 जो है वो प्रोहिबिट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से, जब आप गवर्नमेंट के जॉब में हो। तो इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा? लॉयर थी, दिमाग लगा दिया, उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई मैं उस समय में पब्लिक सर्वेंट थी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थी, सेक्शन 3 जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोहिबिट करता है, मैं तो पब्लिक सर्वेंट थी। अब आप पूछेंगे पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट एक अपनी प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पब्लिक को सर्व करने की। तो इंदिरा जयसिंह ये कह रही है कि जब मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थी, मैं क्या थी? पब्लिक सर्वेंट। सीबीआई क्या बोल रही है कि तुम गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तुमने सेक्शन 3 का क्या किया है? वायलेशन किया है। तुम्हारी एनजीओ ने फंड डाइवर्ट किए हैं, तुमने लिए पैसे किसी और के लिए, खर्च किसी और के लिए किए हैं। और इनके जो एनजीओस के रजिस्ट्रेशन है बच्चों, वो कई बार सस्पेंड हो चुके हैं, और लेट्स सी, अब इस बार तो शायद कैंसिल हो गया हो जाए, या हो भी गया हो तो भगवान जाने, क्योंकि इनके एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया है। और मैं आपको बता दूं, इंदिरा जयसिंह जो है मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी क्रिटिक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है मोदी गवर्नमेंट को। तो कई लोग इसको पॉलिटिकल एंगल भी दे रहे हैं कि ये जानबूझ के गवर्नमेंट ऐसा कर रही है इनको परेशान करने के लिए, बट मेरे हिसाब से यस, अगर देश विरोधी गतिविधियाँ देखें तो मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पर ये है कि इनका अगर हिस्ट्री देखें तो उतना ठीक नहीं रहा है। एनीवे, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है मैं अपनी बात को सत्यापित कर सकूं, बट जितना मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है। लेकिन हाँ, सीबीआई का भी कहना सही है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अब वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन दे रही कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ। लेट्स सी, अभी तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली आप पब्लिक सर्वेंट थे या गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बट यस, एट प्रेजेंट रेड पड़ चुकी है, एफआईआर हो चुकी है। रेड में सीबीआई का कहना है कि हमको बहुत सारे प्रूफ भी मिले। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कम्स इंटू पिक्चर, सेक्शन 3, सेक्शन 11, यस, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। 3, 11 और आई डोंट रिमेंबर द सेक्शन, सस्पेंशन का भी सेक्शन है, 180 दिन के लिए आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपने लिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स का भी आरोप लगाया है कि आपने पैसा लिया था और उससे आप एनजीओ का जो पैसा था उससे आपने अपनी फॉरेन ट्रिप किया, उसमें आपने 15-20 लाख रुपए खर्च किए। तो लेट्स सी हाउ इंदिरा जयसिंह, वैसे वो बहुत बड़ी लॉयर है तो लॉ को मैनिपुलेट करने में तो वो नंबर 1 होंगी, बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो। थैंक यू सो मच।